आज की जो ये खास मीटिंग रखी गई है, इसका जो नाम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट चॉइस फॉर ए वुमेन्स। तो एक राइट चॉइस किसी भी वुमेन्स के लिए, किसी भी फीमेल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कैसे है, क्यों है, इसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई है। और ये जो आज ट्रेनिंग रखी गई है, इस ट्रेनिंग को जो मेन अटेंड करने वाले हैं वो है हमारी जो वुमेन्स फील्ड फोर्स है, उनके लिए ट्रेनिंग रखी गई है। ये ट्रेनिंग मेल्स के लिए नहीं रखी गई है, ये ट्रेनिंग स्पेशली फीमेल्स के लिए रखी गई है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके फ्यूचर के बारे में बताने के लिए, और यहाँ से जल्द कामयाबी हासिल कर सकती हैं, इसलिए ये ट्रेनिंग आज हमने रखी है। तो आप सभी लोगों का आज की ट्रेनिंग में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। और हम अब आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर पल्लवी बसनायक सर भी इस मीटिंग में शामिल हैं। तो मैं उनका वेलकम करना चाहता हूँ, ये हमारी मीटिंग में उनका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। और आप सब लोगों को लास्ट में पॉल सर से शेयरिंग का भी मौका मिले, वो शेयरिंग करेंगे, हमें लास्ट में बताएंगे, थोड़ा सा गाइड करेंगे हमें कि हम और ज्यादा अच्छी तरह काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज की जो ट्रेनिंग है ये पूरी फीमेल्स के ऊपर है, और फीमेल्स फीमेल्स किसी भी फैमिली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अगर फीमेल्स हैं तो कोई भी फैमिली ऑर्गेनाइज होती है, अगर फीमेल नहीं है फैमिली में तो वो फैमिली में सारी चीजें डिसऑर्गेनाइज होती हैं, कहीं भी कोई चीज आसानी से नहीं मिलती और कोई भी काम आसानी से नहीं हो पाता। तो फीमेल का सबसे बड़ा जो रोल है हमारी लाइफ में होता है, क्योंकि फीमेल हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें भी होती हैं और फैमिली मेंबर्स होती हैं फीमेल, सबसे ज्यादा घर का ध्यान रखने वाली भी फीमेल्स होती हैं। तो मैं हमेशा से फीमेल्स को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि फीमेल्स का हम लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, फीमेल्स को आप जैसा देखते हैं कि फीमेल्स को घर भी चलाना होता है, घर की सारी जिम्मेदारियां भी देखनी होती है, खाना भी बनाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, घर की साफ सफाई भी फीमेल्स के जिम्मे होती है। इतनी सारी चीजों के बावजूद भी फीमेल्स कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाह रही हैं। आज तेजी से अवेयरनेस बढ़ रही है, फीमेल भी कदम से कदम मिला के हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, हर सेक्टर में। आज आप किसी भी सेक्टर में देखो, चाहे वो साइंस हो, मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर सेक्टर में फीमेल्स आज आगे बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स को घर तो संभालना ही होता है, और फीमेल्स के मुकाबले जब हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स को क्या होता है, वो घर वो संभालने से आजाद होते हैं, सिर्फ उनको काम करना होता है, सिर्फ उनको बाहर जाके कोई बिजनेस या जॉब करनी होती है, और सारा बाकी घर संभालने का काम फीमेल्स का होता है। तो मैंने देखा है फीमेल्स घर संभालने के साथ साथ, बहुत बड़े जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ, आज की डेट में कंधे से कंधा मिला के हर बिजनेस में, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, हर सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं। तो जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में भी फीमेल का एक बहुत बड़ा आज की डेट में हिस्सा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इतनी सारी चीजों के बाद भी, तो फीमेल्स के ड्रीम्स होते हैं, उनके सपने होते हैं उनकी जिंदगी में, जैसे उनके लिए एक ड्रीम होम हो, ड्रीम कार हो, ड्रीम हॉलीडे हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम हो, इस तरह के सपने फीमेल्स के पास भी होते हैं। लेकिन फीमेल्स के पास दोस्तों सपने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारी होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक फीमेल है और उनको सुबह भी बहुत काम करना पड़ता है और शाम को भी बहुत काम करना पड़ता है। तो जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि जितने भी फीमेल्स हैं, उनको जो सुबह 9 बजे का तक का टाइम है, वो 9 बजे तक का टाइम बहुत बिजी होता है फीमेल्स की लाइफ में। उनको नाश्ता भी देना है, घर की साफ सफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं, और बच्चों को स्कूल भी भेजना है, एवरीथिंग सुबह सुबह फीमेल्स को करना होता है। तो हर किसी फीमेल का जो सुबह 9 बजे तक का टाइम होता है वो मोस्टली बहुत ज्यादा बिजी होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं
शाम को 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे के बाद फीमेल अक्सर बिजी हो जाती हैं। तो जैसे उनको घर में खाना बनाना है, हस्बैंड नौकरी से वापिस आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे स्कूल और बच्चे ट्यूशन से घर वापिस आ रहे हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं शाम को फीमेल्स को जो उनको करने होते हैं। तो 5 बजे का जो बाद का टाइम है फीमेल्स का, वो भी बिजी हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो 9 बजे से पहले फीमेल बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं और शाम को 5 बजे के बाद भी बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं। लेकिन फीमेल का कुछ ऐसा भी समय होता है जो फ्री टाइम होता है। ये फ्री टाइम दोस्तों कौन सा होता है? ये फ्री टाइम होता है सुबह 9 बजे से शाम का 5 बजे तक। अब ये सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, यानी फीमेल्स के पास 8 घंटे ऐसे भी होते हैं जिस समय वो अपने आप को थोड़ा सा फ्री कर पाती हैं। अब दोस्तों जो ऐसे फ्री टाइम होता है फीमेल्स का इंडिया के अंदर, तो ज्यादातर फीमेल्स को इस टाइम को कहाँ पे लगाती हैं, इस टाइम को कहाँ पे स्पेंड करना चाहती हैं? तो हमने देखा है ज्यादातर जो फीमेल्स हैं ऐसे टाइम को, जो सुबह 9 बजे से और शाम को 5 बजे तक जो खाली टाइम है, उनको ज्यादातर वो अपने टेलीविजन्स पे लगाती हैं, टेलीविजन्स के सीरियल्स देखने पे लगाती हैं। तो आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे फेमस सीरियल हैं उनके ऊपर वो टाइम लगाती हैं ज्यादा, जैसे सास भी कभी बहू थी, जैसे क्राइम पेट्रोल, जैसे सावधान इंडिया, जैसे सीआईडी, ऐसे बहुत सारे आज की डेट में सीरियल आ रहे हैं जिसके जिसको देखने के लिए फीमेल्स बहुत सारा टाइम अपना रोज लगा देती हैं। तो दोस्तों इसमें जो टाइम होता है वो टाइम तो फीमेल का लगता है, लेकिन जैसे सास भी कभी बहू थी इस तरह के सीरियल तो समझ में आते हैं, लेकिन कुछ सीरियल इस तरह के भी हैं जैसे क्राइम पेट्रोल है, जैसे सावधान इंडिया है, जैसे सीआईडी है, ये इस तरह के कुछ नेगेटिव नेगेटिव सीरियल्स हैं जिनको फीमेल्स देखती हैं, और इनको देखने के बाद उनके हेल्थ के ऊपर एक जो होता है इफेक्ट, वो होता है मेंटल इलनेस, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ जाती है। ज्यादा लंबे समय तक अगर हम रोज अगर इस तरह के नेगेटिव सीरियल्स देखने में ध्यान देते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, तो मेंटल इलनेस आती है और हेल्थ इश्यू भी बढ़ते हैं लाइफ में, और लाइफस्टाइल हमारा डिसऑर्डर की तरफ जाता है। क्योंकि रोज रोज आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो गलत है, जहां पे कुछ गलत किया जा रहा है, किसी को लूटा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है। तो इस तरह के जब सीरियल्स आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है, और जब हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो जो हेल्थ को ठीक करने में बहुत सारा पैसा हमारा हॉस्पिटल में भी जाता है, हॉस्पिटल और दवाइयों में बहुत सारा पैसा हमारा खर्च हो जाता है। तो ये बहुत ही, मैं आपको जो आज का जो ये ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है, ये बहुत अलग से हट के ट्रेनिंग है, और ये फीमेल्स के ऊपर है कि वो किस तरह से अपने टाइम को कहाँ लगाएं। तो अगर वो दिन भर अगर टेलीविजन के सामने बैठती है तो कहीं ना कहीं वो मेंटल इलनेस, हेल्थ इश्यू और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरफ जाती है। और आपने देखा होगा हर फैमिली में मैक्सिमम फीमेल्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम आज की डेट में हो गई है, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल में और रोज दवाइयों में जा रहा है। यानी हमारी जो मेहनत की गाड़ी कमाई है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल और दवाइयों में चली जाती है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि फीमेल के लिए अच्छी चीज क्या है। फीमेल्स ड्रीमर हैं, फीमेल भी सपने देखती है जैसे मैंने आपको बताया, और फीमेल जो होती हैं वो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, कुछ कंस्ट्रक्टिव लाइफ में करना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सैड थिंग क्या है कि उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो लाइफ में क्या करें। जब उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो वो टेलीविजन देखने लगती हैं। फीमेल करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, ड्रीमर भी हैं, लेकिन वो करें क्या, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ करें। और जब ऐसा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होता है तो वो अपना ज्यादा समय टेलीविजन के ऊपर बिताने लग जाती हैं। लेकिन गुड थिंग क्या है इसके बीच में निकल के आती है कि वुमेन्स वांट्स फाइनेंशियल प्लानिंग, फीमेल्स भी आज के डेट में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स कर रही हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रही हैं कि
उनकी लाइफ में उनके पास कभी भी पैसे की कमी ना पड़े, वो ऐसा सोचती हैं। अब हम चलते हैं आगे। इसके लिए दोस्तों, जहाँ पे अब एक नॉर्मल फीमेल है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो काम तो करना चाहती हैं लेकिन वो काम करे क्या, तो यहाँ पे वी हैव सॉल्यूशन। हमारे पास उनके लिए एक सॉल्यूशन है, और दोस्तों सॉल्यूशन क्या है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट चॉइस फॉर ए वुमेन। एक फीमेल के लिए सबसे अच्छा जो आज की डेट में रास्ता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे फीमेल अपने हिसाब से काम कर सकती है, अपने हिसाब से वो टाइम डिसाइड कर सकती है, अपने हिसाब से वो जगह का डिसीजन कर सकती है, जहाँ पे वो कम इन्वेस्टमेंट में या बिना इन्वेस्टमेंट के भी कुछ बड़ा काम कर सकती हैं, जहाँ पे एक समय काम करने के बाद उनको जो एक ऐसी इनकम आएगी कि जो कभी भी आना बंद ना हो, तो वो सब चीज यहाँ पे हो सकती है। तो मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे फीमेल्स नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, लेकिन फीमेल्स नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर देखना चाह रही हैं, फीमेल्स जब फ्यूचर देखती हैं तो बहुत सारी फीमेल्स हमारे बीच में यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में जो वर्ल्ड की रॉयल्टी ले रही हैं, गाड़ी यहाँ से ले चुकी हैं। लेकिन मैं एक बात ये मानता हूँ कि अगर कोई फीमेल ऐसी है कि वो कुछ समय तक पैसा नहीं कमा रही है, इफ यू नॉट गेट एनी इनकम, कुछ समय तक आप पैसा नहीं कमा रहे नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन फिर भी एक बेस्ट थिंग क्या है यहाँ पे कि अगर आप पैसा नहीं भी कमा रहे हैं कुछ समय तक, तो अब नहीं तो बाद में आप पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि यहाँ पे आपकी जो हेल्थ है वो पहले से अच्छी हो रही है, और आपकी जो फैमिली की हेल्थ है वो पहले से अच्छी हो रही है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए और आज आप पैसा नहीं भी कमा पा रहे, कोई बात नहीं, आपकी हेल्थ तो पहले से अच्छी हो रही है, आपकी फैमिली की हेल्थ तो पहले से अच्छी हो रही है, आप ये बताइए कि क्या आप पहले 9 से 5 के बीच में जो आपका टाइम होता था, टेलीविजन देखते थे जब आप, तो क्या आप वहां पे पैसा कमाते थे? वहां पे भी आप पैसा नहीं कमाते थे, लेकिन दोस्तों पैसा नहीं कमाते थे वो अलग चीज है, लेकिन वहां पे आप बीमार हो जाते थे, आप उन सीरियल्स को देख के कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस की तरफ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरफ चले जाते थे, आपको बहुत सारी बैक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती थी, घुटनों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती थी, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है जिसमें आपका पैसा चला जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन आपका पैसा जा भी नहीं रहा, बल्कि आपकी हेल्थ पहले से और अच्छी हो रही है, आपकी फैमिली की हेल्थ पहले से और अच्छी हो रही है। दूसरी चीज क्या है, गेटिंग अवेयर अबाउट हेल्थ एंड गुड फूड। जब आप इस तरह की इंडस्ट्री में आते हैं जो हेल्थ इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अवेयरनेस मिलती है, हेल्थ को आप अच्छी तरह कैसे रख सकते हैं, आप क्या खाएं, आप क्या ना खाएं, अपनी फैमिली को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। साथ के साथ यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम किया जाता है। अगर आप पैसा नहीं भी कमा रहे, मैं एक बात कह रहा हूँ, पैसा हर कोई कमा रहा है यहाँ पे, तो भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे होती है, एक बहुत बड़ी बात है। चांस टू मीट न्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल पहले से काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपका, एक एक समय होता है कि जब फीमेल घर से कभी बाहर नहीं निकली है तो वो 10-20 आदमी के सामने अब कभी वो स्पीच नहीं दे पाती हैं, कभी वो सही तरह बात नहीं कर पाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड करने के बाद, ट्रेनिंग्स लेने के बाद उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो सैकड़ों लोगों को एड्रेस कर सकती हैं, प्लान दिखा सकती हैं, डेमो दिखा सकती हैं, अपनी बात उनकी आगे रख सकती हैं। फिर आपका जो ड्रेसिंग स्किल्स है, इस बिजनेस में आने के बाद आप चाहे पैसे कमाएं या ना कमाएं, ये जो चीजें हैं, जो आप ये चीजें कमाएंगे, ये जिंदगी में बहुत वैल्यू रखती हैं। कई लोग लाखों रुपए इन चीजों के लिए खर्च करते हैं, इन चीजों को अडॉप्ट करने के लिए, तो ड्रेसिंग स्किल्स आपका यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है जब आप मीटिंग में आते हैं, जब आप ट्रेनिंग में आते हैं, जब आप सेमिनार में आते हैं, तो आपको बताया जाता है कि किस तरह की ड्रेस पहन के आप जाया करें जिससे आपका बिजनेस अच्छा हो।
डिसेंट लाइफ स्टाइल की तरफ आप यहाँ पे जाते हैं। अगर एक फीमेल की मैं बात करूँ तो जो घर में रहती है, जो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो उनका कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता। वो कैसे भी कपड़े पहनती हैं, कैसे भी घर में रहती हैं, सिर्फ चौका, घर का जो चूल्हा चौका करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, बस सिर्फ उनको इसी चीज से मतलब होता है। उनकी कब जिंदगी आगे निकल जाती है, कब बुढ़ापा आ जाता है, कब वो आए कब चले गए, कुछ भी पता नहीं चलता साथियों। लेकिन जब आप इस तरह की इंडस्ट्री में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक डिसेंट लाइफ स्टाइल हो जाती है। हर चीज आपकी औरों से हटके होती है दोस्तों। आपका जो अंदाज होता है वो औरों से हटके होता है। आप कपड़े ले लो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ले लो, हर चीज आपकी औरों से हटके हो जाती है। वहीं पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है कि वॉलेंट्री रिच रिटायरमेंट। आप वॉलेंट्री, आप खुद खुद की इच्छा से ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब मैं रिटायरमेंट लाइफ में ले लूं, वो भी रिच, एक अमीर अमीर बनने के बाद। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा आपके पास आता है, अगर आप इसको सही तरह, अगर आप विजनरी बन के काम करते हैं कि आप अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब मैं, तो हमारी जो लाइफ है वो अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए कहना चाहूंगा कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके कम एज में भी डिवोर्स्ड हो जाते हैं, कम एज में डिवोर्स हो जाते हैं, 25 साल से 35 साल के बीच में। आज की डेट में ये रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और 35 साल से 50 साल की एज में भी बहुत होता है डिवोर्स। तो ऐसे जो फीमेल्स हैं जिन्होंने कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमारा कभी डिवोर्स हो जाएगा, या कभी हमें ऐसी कोई मुसीबत आ जाएगी, या बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं, जैसे मेरे फादर जब मैं छोटा था तो नहीं रहे, उनको बीमारी हो गई थी हार्ट की, वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ड्यू टू एक्सीडेंट हो जाती है, ड्यू टू एनी डिजीज, किसी डिजीज की वजह से भी कहीं डेथ हो जाती है। तो ऐसी भी बहुत सारी फीमेल्स हैं, या ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनकी फैमिली की जो इनकम है वो बहुत कम है। तो मैं ऐसी सारी फीमेल्स को जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, या जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम आज की डेट में नहीं है, तो फ्यूचर में कभी भी किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को यही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपनी फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से करके चलें। अगर आपकी फैमिली की इनकम 30,000 रुपये है, तो अगर आप 20,000 रुपये और कमा के फैमिली में देती हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी फैमिली में और पहले से अच्छी खुशी आ जाएगी। अगर आपकी फैमिली में 50,000 रुपये मंथली इनकम आती है, और अगर आप 30-40 हज़ार रुपये और अगर कमा लेते हैं, तो क्या ये कोई बुरी बात है? ये कोई भी बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज ये डिसाइड करना है, आई थिंक मोर देन मनी मेकिंग इंडस्ट्री। सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाने के लिए हम नहीं आए, यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात हम नहीं करते, यहाँ से पैसे से भी और आगे की हम बात करते हैं यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पे जो पैसे से आगे की जो बात है वो है आपकी गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, आप अगर आपकी गुड हेल्थ है, आपकी फैमिली की गुड हेल्थ है, तो यही आपकी बेस्ट वेल्थ मानी जाती है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई प्राइम चीज हमारी लाइफ में है, तो वो हमारी हेल्थ, हमारी पर्सनैलिटी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ओनली मनी मेकिंग इंडस्ट्री। मनी मेकिंग इंडस्ट्री है ये, यहाँ पे हम पैसा बना रहे हैं, यहाँ हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन इससे भी बढ़ के जो जिस इंडस्ट्री में आज हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी हेल्थ भी बन रही है, हमारी फैमिली की हेल्थ भी बन रही है, हमारा पैसा दवाइयों में जाने से बच जाता है। तो ये एक बेस्ट वेल्थ मानी जाती है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग हैं वो, पीपल वांट वर्क फॉर मनी नॉट फॉर हेल्थ। यहाँ पे जब कोई जुड़ता है तो उसका एक इंटेंशन होता है कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए आया हूँ, वो कभी भी नहीं सोचता है कि मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में पैसा तो कमाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे को अपनी हेल्थ को कमाना है, सबसे मेरे पहले मुझे और मेरी फैमिली को फिट एंड फाइन रहना है। तो ये एक सोच जो है लोगों की, ये एक बहुत सही नहीं है कि वो आते हैं, आते ही वो पैसे की बात सोचते हैं, और
एक दो महीने में अगर उनके पास पैसा नहीं आया तो वो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला कि आप जितने भी फीमेल्स हैं, एक बार आप पैसा नहीं भी कमाएंगे ना, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कमा रहे हैं अपनी जिंदगी में, आप अपनी फैमिली की और अपनी हेल्थ भी कमा रहे हैं साथ में। तो नेटवर्क मार्केटिंग नेवर प्रमोट ओनली फॉर मनी। आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ पैसे के लिए प्रमोट मत करो, ये पैसे बनाने की इंडस्ट्री है, ये उससे कहीं ज्यादा ऊपर इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से ऊपर पूरी दुनिया में आज तक कोई इंडस्ट्री बनी नहीं। इफ पीपल नॉट गेट मनी देन दे लेफ्ट द बिजनेस। अगर आपने सिर्फ पैसे के ऊपर ही बताया है तो कोई इतना पैसा आ जाएगा तो करोड़ों रुपए कमा लेगा, लाखों रुपए कमा लेगा, और उसको अगर एक दो महीने में पैसा नहीं आया तो या तो वो खुद डिमोटिवेट होके इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, या उनकी फैमिली वाले कहते हैं कि तुम्हें पैसा नहीं आ रहा, तुम पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस से जुड़े थे तो आप इस बिजनेस को छोड़ दो। तो हमेशा आप पैसे से ज्यादा जो प्रायोरिटी दे वो दे उनको हेल्थ, उनकी पर्सनैलिटी, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, इन चीजों के बारे में आप ज्यादा बात करें। और ऑलवेज प्रमोट गुड फैमिली गुड हेल्थ। अब आप जो उनकी जो फैमिली की गुड हेल्थ के लिए बात करेंगे तो इन चीजों को समझेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा है वो एक बाई प्रोडक्ट है। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं इसमें जो पैसा एक बाई प्रोडक्ट है। हमें पैसे के लिए नहीं भागना, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना। पैसा तो इसमें अपने आप आएगा जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि हर महीने हमें यहाँ से जो इस इंडस्ट्री से कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदने हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें खाने हैं जिससे हमारी और हमारी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो जाए। हमें हर मीटिंग को इसलिए अटेंड करना है जिससे हमारी जो पर्सनल ग्रूमिंग हो, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो जाए, हमारा सोशल सर्कल बढ़ जाए। जब आप लोगों को ये चीज बताएंगे कि ये चीज भी आपके लिए है इसमें और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, तो दोस्तों पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, पैसा तो अपने आप ही आएगा इसके अंदर। पैसा आपको कमाने की जरूरत नहीं है, पैसा इसके अंदर अपने आप आता है। योर हेल्थ मच बेटर बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग। आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो सबसे खास चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब आप 9 से 5 के बीच में आपके पास कोई काम नहीं होता तो आप टेलीविजन देख रही होती हैं, तो टेलीविजन देख रही होती है तो आप मेंटल इलनेस की तरफ जाती हैं, तो आपका जो पैसा है वो दवाइयों में और हॉस्पिटल में जाता है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आ गई हैं, इस कंपनी के साथ जुड़ गई हैं, तो यही एक खास बात है कि जो आपकी हेल्थ है वो पहले से अच्छी हो गई है। यही एक बहुत बड़ा पैसा है, यही एक बहुत बड़ा धन है। और ऑलवेज रिमेम्बर, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मनी इज बाई प्रोडक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। पैसा आपके पास इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा आएगा जिसको आप खर्च भी नहीं कर सकते। लेकिन पैसा कमाने के लिए या जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो सिर्फ उसको मनी मेकिंग इंडस्ट्री के हिसाब से ना दिखाएं, उसको हेल्थ के हिसाब से भी दिखाएं, उसको पर्सनल ग्रूमिंग के हिसाब से भी दिखाएं। अब हमारे इंडिया में लॉस हो रहा है, हर रोज लॉस होता है, बहुत तगड़ा लॉस होता है। तो अब हम इस लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। वुमेन्स वर्क फोर्स है इस इंडिया के अंदर, वुमेन्स वर्क फोर्स, जो फीमेल वर्क फोर्स, एक बहुत तगड़ी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, एक फोर्स है फीमेल जिनके पास फ्री टाइम है 9 से 5 तक का, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का फ्री टाइम होता है, और ये एक फीमेल के पास एक दिन में 8 घंटे लगभग फ्री होते हैं। और दोस्तों हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर 35 करोड़ फीमेल ऐसी हैं जो कुछ करना तो चाहती है लाइफ में लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको किसी ने बताया ही नहीं आज तक कि ये त्यांस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऑप्शन है जिसको आप कर सकते हैं। तो 35 करोड़ इंडिया में ऐसी औरतें हैं जिनके पास सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कोई भी काम करने को नहीं है, सिर्फ टेलीविजन देखने के अलावा। इसका मतलब भी 9 से 5 बजे तक कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं करते हैं, और ये 8 घंटे इनके रोज खराब हो जाते हैं। तो
अगर हम देखें यहाँ पे कि एक फीमेल के पास अगर रोज 8 घंटे हैं और 35 करोड़ ऐसी फीमेलें जो इन 8 घंटों का अगर इस्तेमाल कर सकती थी और वो नहीं कर पा रही हैं, तो 8 × 35 करोड़ तो यहाँ पे आता है दोस्तों, इंडिया में 280 करोड़ घंटे रोज वेस्ट हो रहे हैं। अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, इंडिया में जो औरतें हैं जो 9 से 5 तक कुछ नहीं करती हैं, घर पे रहती हैं, अगर वो 8 घंटे अपना 35 करोड़ औरतें अगर मैं देखूँ तो 280 करोड़ हो जाते हैं, और ये 280 करोड़ घंटे रोज हमारे इंडिया में खराब हो जाते हैं। जबकि नीचे मैंने जापान का डेटा दे रखा है, जापान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ 12 करोड़ 65 लाख है, हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़। जापान की पॉपुलेशन है 12 करोड़ 65 लाख सिर्फ, और ये जो पूरा जापान है, ये पूरा जापान पूरे महीने में जितने भी घंटे काम करता है वो टोटल महीने का यानी मंथली 280 करोड़ घंटे काम करता है पूरे महीने में। आप सोचो, 280 करोड़ पूरे महीने में जापान काम कर पाता है और वो एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। वहां के लोग आज पैसा कमा रहे, खुश हैं, क्योंकि तो वहां के लोगों के अंदर प्रोडक्टिविटी है, वहां का हर आदमी काम कर रहा है, वहां पे हर औरत काम कर रही है, इसलिए वो आज आगे निकल चुके हैं। लेकिन आप हमारे यहाँ पे जो वुमेन्स वर्क फोर्स है, ये एक बहुत बड़ी फोर्स है। अगर ये 35 करोड़ औरतें ये समझ जाएं कि हमारे पास जो 8 घंटे हैं रोज, अगर इसमें से हम 2-4 घंटे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगा दें, तो हमारा देश, ये जो 280 करोड़ घंटे रोज हमारे खराब होते हैं, ये 280 करोड़ घंटे खराब नहीं होंगे, और हमारा देश औरतों की वजह से दुनिया में बहुत आगे जा सकता है। आप सोचो कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास औरतों की कमी नहीं है, 35 करोड़ होते इतना काम कर सकते कि हमारा देश बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन इन 35 करोड़ औरतों को समझाएगा कौन? दोस्तों, यही बड़ा जिम्मा हमने ले रखा है समझाने का इन 35 करोड़ लोगों को। आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, यू आर नेटवर्क मार्केटर, आप बहुत बड़े हैं आज के डेट में। जो पूरी दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा, वो काम हम नेटवर्क मार्केटर कर रहे हैं। आज करीबन रोज 1 लाख बच्चे पैदा हो जाते हैं इंडिया के अंदर, ये 1 लाख बच्चे रोज 18 साल के भी होंगे। जब ये रोज 18 साल के होंगे तो कौन सी गवर्नमेंट इनको जॉब देगी? दोस्तों, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी। आज जॉब नहीं है तो फ्यूचर में जॉब कहाँ से देगी? हम जैसे लोग, नेटवर्क मार्केटर लोग, ऐसे लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ऐसे लोगों को हम इनको एक रोजगार देते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट कहते हैं इनको, कि आप इतना पैसा कमाओ कि आप इतना पैसा कमाओ कि आप जॉब ढूंढने ना जाओ, आप लोगों को काम दो। तो मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज जो ये ट्रेनिंग है, या आज ट्रेनिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, ऑलरेडी जो इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को फिर से सैल्यूट करता हूँ। आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझो, आप इस देश की बेरोजगारी को भी खत्म करने वाले हैं। तो अगर इन फीमेल्स को हम समझा दें तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। और यहाँ पे एक मैंने रेशो दिखा रखा है, जेंडर रेशो, यानी मेल और फीमेल के बीच का जो आंकड़ा है वो मैंने दिखा रखा है। हमारे हिंदुस्तान में 48% फीमेल है, 48% औरतें हैं, और जो मेल है वो 52% है। तो अगर मैं बोलूं कि ये 50-50 का रेशो है, तो क्या गलत बात है? ये लगभग 50-50 का रेशो है, 48 और 52। अब ये 52% जो मेल है, ये 52% मेल है, ये कहीं ना कहीं कोई नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि मेल को ये लगता है कि हम बने इसलिए हैं। लेकिन ये जो 48% जो फीमेल है, इसमें से मैक्सिमम फीमेल जो है वो सिर्फ घर पे हाउस वाइफ रहती हैं,
वो कोई भी बड़ा काम नहीं करती है लाइफ में। तो दोस्तों ये जो 48% जो फीमेल है हमारे देश में, यानी पूरे भारत का जो लगभग आधा हिस्सा जो बहुत ज्यादा काम कर सकती थी, वो हमारे देश में या तो कम पढ़ी लिखी हैं, या तो वो कुछ करना चाहती है तो उनके घर वाले करने नहीं देते, या हमारा जो एटमोसफेयर है, हमारा जो माहौल है, वो उनको काम करने के लिए अलाउ नहीं करता, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं कि फीमेल्स कहीं ना कहीं दब रही हैं, फीमेल्स आगे नहीं निकल पा रही हैं। नहीं तो हमारे देश में ये जो आंकड़ा है 48% वुमेन्स का, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये 48% फीमेल्स काम करने लग जाएं, तो हमारा देश बहुत जल्दी जल्दी सबसे ऊपर आ सकता है, अमीर बन सकता है, दुनिया में सबसे आगे निकल सकता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, उसके अंदर सिर्फ 4% का रोल है, कंट्रीब्यूशन है फीमेल्स का, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर, इंडिया के अंदर। लेकिन जब मैं बात करता हूँ विदेशों की, कि विदेशों में फीमेल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर, तो विदेशों में ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन है, वो है 71 से 75%। यानी हमारे देश में अगर इनमें से मैं बात करूं 48% में से, तो सिर्फ 4% औरतें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रही हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन बाकी औरतें नहीं कर रही हैं। लेकिन जब विदेशों में हम बात करते हैं, तो ये जो बिजनेस कहती हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे फीमेल्स सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करके अरबपति और खरबपति बनी है, महीने का कई कई लाखों रुपए कमा रही है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इंडिया के डेटे की, इंडिया का जो डेटा कहता है बाई जेंडर कि सिर्फ 20% फीमेल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, और बाकी जो 80% लोग हैं वो मेल हैं। तो इंडिया का और विदेशों का बिल्कुल उल्टा हिसाब है। ये जो इंटरनेशनल डेटा है ये 74% है, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो सिर्फ 20% औरतें ही इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। तो इंडिया में अभी इतना स्कोप है कि अगर यहाँ पे जितने भी फीमेल्स के पास अभी ये बिजनेस नहीं पहुंचा, और अगर हम इस बिजनेस को पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारा देश डेफिनेटली बहुत ऊपर आ जाएगा, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, और हम सब लोग, जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, हम सब लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा के अपनी पूरी जिंदगी बदल लेंगे। लेकिन दोस्तों हमें इन फीमेल्स को अवेयर करना पड़ेगा कि सबसे सुरक्षित बिजनेस अगर इस धरती पे कोई है औरतों के लिए, तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जिसमें वो अपने घर पे रह के, अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में रह के इस बिजनेस को कर सकती हैं। कहीं नौकरी पे जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई लाखों रुपए लगाने की भी जरूरत नहीं है, इससे बढ़िया कोई भी बिजनेस नहीं है। यही हमें औरतों को समझाना पड़ेगा, जिससे कि वो भी इस बिजनेस को करें, वो भी करोड़ों रुपए कमाएंगे, उनकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी, और आपके पास भी करोड़ों रुपए आएगा, आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मिशन है इस पूरे इंडिया को आगे ले जाने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग अवेयरनेस इज गोइंग वेरी फास्ट इन इंडिया। जो भारत के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें अवेयरनेस बढ़ रही है, गवर्नमेंट में इसका गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा एक चैप्टर आ गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको कैसे कहते हैं। आगे आने वाले टाइम में बच्चे इसको सीखेंगे, बच्चे इसको सीखने के बाद इसको करेंगे, डिग्री लेंगे, लेकिन अभी डिग्री की कोई जरूरत नहीं, हम सब बहुत लकी है। तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग, मेल फीमेल्स दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मैंने लिखे, दिस इज एक्सपेक्टेशन फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। फ्यूचर में आगे कुछ सालों के बाद, 5 6 सालों के बाद, 7 सालों के बाद, जो हमारे जैसे लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा फीमेल को अवेयर कर रहे हैं। आप जितने भी फीमेल्स यहाँ पे जुड़ी हैं पैनल में, आप सब फीमेल्स को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस बिजनेस को।
तो आगे आने वाले कुछ समय में जो इंडिया का जो डेटा है वो अगर विदेश के डेटा जैसा यहाँ पे भी 74% हो जाता है फीमेल का जो परसेंटेज है, तो मैं ये बता रहा हूँ हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। हर आदमी यहाँ पे लखपति करोड़पति बन जाएगा। तो हमें इस डेटा को इस रियलिस्टिक फिगर तक पहुंचाना है कि जो 20% का रेशो अभी इंडिया में है इसको हमें अप टू 70, 74% या 80% तक ले जाना है। ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को उनकी ताकत के बारे में बताना है, उनकी ताकत का एहसास दिलाना है। अब ये कुछ फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर दोस्तों। सबसे पहले है वंदना लूथरा, ये भी एक फीमेल है इंडिया की। ये है फाउंडर VLCC, आपने VLCC देखा होगा, स्लिमिंग सेंटर एंड ब्यूटी सेंटर। बहुत बड़ी चैन है ये, बहुत बड़ी चैन है, बहुत सारे इसके फ्रेंचाइजी हैं। इसकी ये बिजनेस वो है, फाउंडर है, इसने इसकी शुरुआत की है। ये वंदना लूथरा करोड़ों रुपए की इसकी आज की डेट में कंपनी है। तो ये भी एक फीमेल, इसने अपने नेम एंड फेम को बहुत ऊंचा किया है, अपनी फैमिली के सपने पूरे किए हैं। फिर इसके नीचे आप देखेंगे चंदा कोचर। चंदा कोचर क्या है, ये MD एंड CEO है ICICI बैंक। ये भी एक औरत है, इन्होंने भी करके दिखाया है। ये भी जो सक्सेस की जो बुलंदियां हैं उसको छुआ इन्होंने। फिर उसके बाद है सूची मुखीजा, शी इज द फाउंडर एंड CEO लाइम रोड। ये भी इन्होंने कई करोड़ों रुपए की कंपनी में आज ये CEO और वो फाउंडर है। तो ये सारी फीमेल से जो बहुत टॉप लेवल पे जा चुकी है यहाँ पे। फिर उसके बाद है उपासना टाकू। ये उपासना टाकू जो है ये मोबिक्विक, जो आप देखते हैं मोबिक्विक आपके मोबाइल में एक ऐप होता है, उसकी एक को फाउंडर है। तो ऐसे ऐसे फीमेल्स ने यहाँ पे उपलब्धियां रची हैं। नीचे किरण मजुमदार साहब, ये है अपना CMD बायोकॉन। ये बहुत बड़ी पोजीशन पे है, बहुत बड़ी, कईयों करोड़ हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है इन फीमेल्स की। फिर मैं आपको और बता रहा हूँ, प्रिया पॉल, ये चेयरमैन पर्सन है APJ पार्क होटल्स। जितने भी आप APJ पार्क होटल्स देखते हैं वो बहुत बड़ी चेन है पार्क होटल्स की, उसकी ये चेयर पर्सन है, उसकी ये मालिक है। आप सोचो कि एक फीमेल है ये भी। फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं नीलम धवन, ये MD है HP इंडिया। अपने हिंदुस्तान देखा पेट्रोलियम, HP इंडिया की MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये भी एक फीमेल है। फिर बीच में आप देख रहे हैं नैना लाल किदवई, ये कंट्री हेड HSBC बैंक। HSBC बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। ये पूरे इंडिया की कंट्री हेड है उसकी, नैना लाल किदवई। फिर ऊपर है सिमोन टाटा, ये है हमारा चेयरपर्सन ट्रेंट लिमिटेड। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। फिर नीचे मलिका श्रीवासन, ये है डायरेक्टर टेफे, आपने नाम सुना होगा कई बार, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट्स टेफे, ये उसकी डायरेक्टर है ये मलिका श्रीवासन। तो आप ये देख रहे हैं, ये कुछ फीमेल्स का मैंने आपको बताया। ये ऐसी हजारों नहीं लाखों फीमेल्स हैं आज इंडिया के अंदर जो जो ऊंचाइयां हैं, सक्सेस की ऊंचाइयां उसको छू रही हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम जो लोग हैं, हम एक या तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास की फैमिली से ज्यादातर बिलोंग करते हैं। हमारे पास ऐसे करोड़ों रुपए नहीं है कि हम कोई इंडस्ट्री खोल सकें। ऐसे में हमारे पास पैसे ना होने के बाद ये जो त्यांस बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमें, जिस बिजनेस को हम कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होता है, यहाँ पे आपको करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, रोज फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है, स्टाफ को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सिस्टम को अडोप्ट करना है, सिस्टम के साथ काम करना है और ये सिस्टम आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा दोस्तों। तो अभी लॉकडाउन में और सारे बिजनेस बंद है, लेकिन आज भी हमारी ट्रेनिंग मीटिंग चल रही है, हमारी सेल हो रही है, हमारा काम हो रहा है। बिकॉज ऑफ ये जो बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जहाँ पे आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई पैसा नहीं लगाना। अब दोस्तों अभी तक हमने फीमेल्स की बात की, उनकी ग्रोथ की बात की, उनका मैंने कुछ डेटा आपको दिखाया,
लेकिन अब मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। इफ यू वांट सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहती हैं वाकई, तो आपको एक परफॉर्मेंस एनालिसिस करने की जरूरत है। ये परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है? ये परफॉर्मेंस एनालिसिस ये है कि जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है, वो कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमें पैसा नहीं आता। तो यहाँ पे नीचे लिखा है एफर्ट्स स्कोर और है रिजल्ट स्कोर। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कई लोगों को लगता है उनको पैसा नहीं आता, तो ऐसी क्या बात है, ऐसी कुछ तो बात होगी, वो काम को किस तरह से कर रहे हैं। सिर्फ उनको ये ऐसा लगता है कि वो त्यांस में जुड़ गए हैं और जुड़ने से ही सिर्फ पैसा आ जाएगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। पैसा आने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको कुछ वैसे काम भी करने पड़ेंगे जिससे आपको पैसा आए। तो आपको अपने एफर्ट्स स्कोर को देखना चाहिए और अपने आपको रिजल्ट स्कोर को देखना चाहिए कि अगर आपको पैसा आ रहा है तो कितना आ रहा है, और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, और आपको ज्यादा पैसा कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटेजी वर्कशीट आपके सामने दिखा रहे हैं हम आपको। ये एक स्ट्रेटेजी वर्कशीट है जिसमें ये दिखाया गया है कि आप डेली कितने लोगों को कॉल करते हैं, कितने लोगों को फोन करते हैं डेली। फिर दूसरी चीज है नंबर 2 पॉइंट, आप एक दिन में डेली कितनी मीटिंग कर रहे हैं। आप कामयाब होना चाहते हैं, आप गोल्ड लाइन बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप ऑनरी डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप गाड़ी का 19 लाख रुपए लेना चाहते हैं, घर का 1 करोड़ 12 लाख रुपए लेना चाहते हैं, आप महीने का 50 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसकी ये पहली सीढ़ी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बाई प्रोडक्ट है, सिर्फ आपको सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट इसमें है डेली आप रिटेल करते हैं या नहीं करते। अगर आप रिटेल कर रहे हैं तो रोज कितने का रिटेल कर रहे हैं। हम जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, एक ऐसे लोग मिलते हैं जो बिजनेस कर लेते हैं, एक ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं अभी मैं बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो हम उनको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हमें डेली लोगों को रिटेल करना चाहिए। हमारी दो तरह की इनकम है, एक है पर्स वाली इनकम, दूसरी है बैंक वाली इनकम, अकाउंट वाली इनकम। तो दोस्तों अकाउंट वाले इनकम तो हमारे जो सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना हम और हमारी टीम काम करते हैं उतना पैसा हमारे बैंक में आ जाता है, लेकिन आज आपको जरूरत है कि पर्स वाली इनकम क्या है आपकी। ये पर्स वाली इनकम अगर आप लोग समझ गए जितनी भी फीमेल्स हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकती हैं। पर्स वाली इनकम ये है कि जैसे आज कोई फीमेल 7 स्टार है और प्लेटिनम है, अगर कोई फीमेल 7 स्टार और प्लेटिनम है तो अगर वो हमारी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदती है तो सबसे पहले उसको 20% का एमआरपी डीपी का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस उसको प्लेटिनम का 15% और कम देना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 35% हो गया। तो दोस्तों ये 35% पैसा उस एमआरपी में से आपको कम देना है कंपनी को। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 7 स्टार हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट रिटेल के लिए खरीदती है हमारी कंपनी से, तो 20% तो आपको कम देना ही है एमआरपी डीपी का, प्लस प्लेटिनम का 15% और कम देना है, 30% आपको पैसा कम देना है कंपनी को। अगर कोई 100 रुपए का सामान है तो वो आपको कितने का मिल गया, सिर्फ 65 रुपीज का मिल गया। अब यही सामान आप कस्टमर को 100 रुपए का सेल कर सकती हैं क्योंकि उस पे एमआरपी 100 रुपए लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब आप इस प्रोडक्ट को कस्टमर को अगर 100 रुपए का बेचते हैं, तो जो बीच का 35 रुपए है ये आपकी पर्स वाली इनकम है, ये आपकी तुरंत वाली इनकम है, ये अकाउंट में नहीं जा रही आपके, ये आपको उसी समय आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये पर्स वाली इनकम अगर आप नहीं कमाते हैं तो आज आपको इस पर्स वाली इनकम को कमाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप और आपकी टीम पर्स वाली इनकम पर ध्यान देगी तो आपको जो बैंक में पैसा आ रहा है, जो बैंक वाली इनकम है, वो कई गुना ज्यादा आएगी। और दूसरा है कि लाइफ में आपको, जैसे कि मैं रोज कितने लोगों को रिटेल कर रही हूँ,
आप किसी के पास भी जाओ, अगर वो जुड़ नहीं रहा तो उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट की आदत डालो, शैम्पू की आदत डालो, टूथपेस्ट की आदत डालो, सैनिटरी पैड की आदत डालो, नाना हैंड वॉश की आदत डालो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसकी फैमिली में दे के आओ और रिटेल करके आओ। तो आप रोज कितने कितने का सामान रिटेल कर रहे हैं डेली, ये आपको देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितनी है ये वीकली आपको देखना पड़ेगा, और नंबर ऑफ सेमिनार ट्रेनिंग, नंबर ऑफ सेमिनार एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यू एज ए अपलाइन। आपके ऊपर अपलाइन है मैं मानता हूं, लेकिन आप भी अपलाइन है किसी के, आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आप पूरे महीने में कितने आपने सेमिनार और ट्रेनिंग आपने खुद ली है एज ए अपलाइन, एज ए रोल मॉडल, आप खुद कितने मीटिंग और ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये आपको मंथली बनाना है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये जो स्ट्रेटेजी वर्कशीट है ये बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए। और इसको कुछ पे ये एक स्कोर बोर्ड है एक तरह से, ये स्कोर बोर्ड आपको पैसे दिलवाएगा, ये स्कोर बोर्ड आपको कामयाब करेगा। अगर आप इस स्कोर